दोस्तों, अगर आपका अभी गूगल एडसन अप्रूव नहीं हो रहा है तो आप सोच रहे हैं इसका क्या कारण है, आप काफ़ी टेंशन में, क्योंकि आपने बहुत सारी मेहनत की है। अगर चाहे आपका चैनल यूट्यूब हो, वर्डप्रेस हो या आपका ब्लॉगर हो, आप अगर किसी भी साइट पे हैं और आपने यहाँ पर अगर गूगल एडसन के लिए अप्लाई किया है तो आपका वहाँ पर अप्रूवल नहीं मिल रहा है और आप काफ़ी टेंशन में आ चुके हैं। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगा ऐसा क्यों है कि जो आपका गूगल एडसन का अप्रूव है वो नहीं मिला है। तो फ्रेंड, यहाँ पर अभी लॉकडाउन की वजह से हर जगह बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि अभी वहाँ पर जो वर्कर हैं वो इतने काम नहीं कर रहे हैं। तो जो आपके अप्रूवल है, जो आपने गूगल एडसन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो वहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि वो होम वर्क कर रहे हैं। उसके साथ आप बहुत सारे लोगों का यहाँ पर अप्रूवल करने के लिए, तो वो धीरे धीरे उसको कर रहे हैं। और उसके साथ जो आपका एडसन का अप्लाई कर दिया है, तो उसके लिए आपको ये ना सोचे कि आपको वहाँ पर अप्रूवल नहीं मिलेगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको अप्रूव जरूर मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, 1 महीना लग सकता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आपको अप्रूवल जरूर मिलेगा अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आपने जो कि अप्लाई किया है, चाहे ब्लॉगर से किया हो, चाहे वर्डप्रेस से किया हो, चाहे आपने यूट्यूब चैनल से अप्लाई किया हो, तो आपने जो भी अप्लाई कर रखा है, तो आप ये घबराएं ना कि आपका यहाँ पर अप्रूवल नहीं होगा। आप चाहे वर्डप्रेस पे हो या ब्लॉगर या यूट्यूब, तो आप कंटिन्यू रहें। अगर यूट्यूब पर हैं तो आप वीडियो डालते रहिए, अगर वर्डप्रेस या ब्लॉगर पे हैं तो आप जो भी आपके आर्टिकल हैं, जो अपडेट्स हैं, वो कंटिन्यू करते रहिए। ऐसा मत कीजिए, अरे यहाँ पर आपका अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो मैं यहाँ पर वेबसाइट पर अपडेट करना छोड़ देता हूँ, या आपका यूट्यूब चैनल है वहाँ पर वीडियो डालना छोड़ देता हूँ। तो आपको ये ऐसा कोई भी चीज़ नहीं करनी है, आपको ये सारी चीज़ें अपडेट करती रहनी है, और आपको कंटिन्यू रहना है अपने चैनल पर, चाहे साइट पर। तो अगर जब अपडेट करते रहेंगे तो वहाँ पर पता चलेगा कि आप अपने साइट पर या यूट्यूब चैनल पर हमेशा एक्टिवेट हैं। तो आपको ये लगातार बने रहना है, और आपको यहाँ पर ऐसा कोई भी कंटेंट अभी नहीं डालना है जिससे कि आपके लॉकडाउन में कोई भी आपको ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं डालना है कि लॉकडाउन के दौरान आपके वीडियो चैनल जो यूट्यूब का है उस पर कोई दिक्कत आए, या आपको कोई वेबसाइट है उस पर कोई दिक्कत आए। तो आप हमेशा जो भी कंटेंट डालें यूट्यूब पर, वो हमेशा ओरिजिनल ही डालें और अपना ही डालें। और साइट पे भी आप जो आर्टिकल डालें तो उसको देख के ही डालें, कुछ इस तरह का ना डालें जिससे कि आप बैन हो जाए आपका जो अप्रूवल है। तो आप ये चीज़ों का ध्यान रखिए और आप लगातार इस पर बने रहें। और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में देनी है, आपको जो आपका गूगल एडसन अप्रूव्ड है वो बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, हर जगह क्राइसिस चल रहा है। तो इसके बाद जब ये धीरे धीरे कम होता जाएगा और आपका जो यहाँ पर अप्रूवल है बहुत सारा धीरे धीरे यहाँ वर्कर बढ़ेंगे वहाँ, तो इस तरह से आपका जल्दी हो पाएगा, तो थोड़ा समय लगेगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, ये काम आपका ज़रूर होगा। और यहाँ पर कुछ ऐसा लगा है तो आप इसके लिए गाइडलाइन पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आपकी अपडेट्स होती रहती हैं। आप जब जाएंगे यूट्यूब पर तो आपको हेल्प का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप मोनेटाइजेशन या अपने गूगल एडसन के लिए इन चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। तो गूगल एडसन के लिए आपको बहुत सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, इसके लिए यहाँ पर नोटिस बहुत दिनों पहले आ गया है, तो उसको जाकर आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें ही हैं, आप इसको इसी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।